अपने रथ पे बैठ के बढ़िया भोजन करते हुए वीडियो बना के पुरेठा बांध कर जाति और धर्म के नाम पर लोगों को डरा कर ये आभार यात्रा क्या निकालो, किस चीज का आभार देने निकले हो? जिस बिहार के गरीब जनता को लूट के राज कर रहे हैं उस जनता ने आज तक उनको यहाँ से भगाया नहीं है, इसलिए उनको जनता का आभार करना है। बिहार का पढ़ा लिखा लड़का मजदूर बनकर घूम रहा है, नौवा फेल आप नेता बनकर घूम रहे हैं, तो आपको बिहार का जनता का आभार तो करना ही चाहिए। जो हमको कहता है कि भैया नौवा फेल काहे करते, तो हमने कहा है कि भाई दसवां का एग्जाम हो रहा है, दसवां का एग्जाम पास हो जाइए, कल से आपको दसवां पास करने लगेंगे। तेजस्वी जैसे बेवकूफ लोग ये बता रहे हैं हम 10 लाख नौकरी दे देंगे। पूरे बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं सबका गिनती कीजिएगा तो आपको पता चलेगा 23 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये नीतीश को जाके मुख्यमंत्री को बेवकूफ बनाना है? हम नहीं, यहां से मैं आने वाले नंबर जारी कीजिए कि कौन 2 लाख लोगों का बिहार का है जिसको नौकरी मिला, नाम नंबर जारी करो, देखते हैं अभी हम लोग कहां पैदल चल रहे थे। तेजस्वी यादव आभार यात्रा निकाले हैं, यात्रा निकालने पर तो कोई रोक है नहीं। आप मेरे भाई ऐसा है तेजस्वी यादव एक दिन अपने आभार यात्रा में एक दिन पैदल चल ले, चल दे पैदल, फिर हम भी मानेंगे भाई पैदल एक दिन चले, हम तो 2 बरस से चल रहे हैं, एक दिन चलो पैदल, एक दिन तो पैदल चल के दिखाओ। आभार यात्रा अपने रथ पे बैठ के बढ़िया भोजन करते हुए वीडियो बना के पुरेठा बांध कर जाति और धर्म के नाम पर लोगों को डरा कर ये आभार यात्रा क्या निकालो, किस चीज का आभार देने निकले हो? आभार तो उनको जनता का देना चाहिए, ये बात ठीक है, नाम बढ़िया रखा आभार यात्रा। जिस बिहार को सबसे गरीब निरक्षर मजदूर उनके माँ बाप और उनके सरकार ने बना दिया, उस बिहार की गरीब जनता ने अभी उनको यहाँ से मारकर भगाया नहीं है, इसके लिए उनको बिहार के जनता का आभार करना चाहिए। जिस बिहार के गरीब जनता को लूट के राज कर रहे हैं उस जनता ने आज तक उनको यहाँ से भगाया नहीं है, इसलिए उनको जनता का आभार करना चाहिए। जिस बिहार के समाज को जातियों में बांट कर अपहरण रंगदारी शराब माफिया भूमि माफिया बालू माफियाओं के हवाले कर दिया है, वो जनता आपको आज भी नेता के तौर पर देख रही है, इसलिए तेजस्वी यादव को आभार यात्रा करनी चाहिए, आभार तो करना ही चाहिए। आप जैसे बिना पढ़े लिखे आदमी को जनता नेता स्वीकार कर रही है, इसलिए भी आपका आभार करना चाहिए कि बिहार का पढ़ा लिखा लड़का मजदूर बनकर घूम रहा है, नौवा फेल आप नेता बनकर घूम रहे हैं, तो आपको बिहार का जनता का आभार तो करना ही चाहिए। दूसरे राज्य में नहीं संभव है, ये यहीं पर संभव है। लोग हमको कहता है कि भैया नौवा फेल काहे करते, तो हमने कहा है कि भाई दसवां का एग्जाम हो रहा है, दसवां का एग्जाम पास हो जाइए, कल से आपको दसवां पास करने लगेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? अगर आपको पहले पढ़ने का अवसर नहीं मिला अब पढ़ लीजिए, हम आपको दसवां पास करने लगेंगे। आपको अगर हमारे नौवां पास करने से खराबी दिक्कत तकलीफ हो रही है तो आप दसवां का एग्जाम देकर पास हो जाइए और हम लोग सब आपको कहेंगे कि दसवां पास तेजस्वी यादव बिहार के नेता होने चाहिए, दसवां पास होकर दिखाइए। ये आदमी एक मन से बोले कि हम तो इतने ईमानदार हैं, चाहते तो जाली डिग्री बनवा लेते, हमारे माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री थे, जाली डिग्री नहीं बनाए, इतना अच्छा ईमानदार है, बताइए जाली डिग्री नहीं बनाए, बहुत बड़ा हम लोग परेशान कर दिए। देखिए इस आदमी की सोच, नेता खड़ा होके कह रहा है कि अरे हमने तो माँ बाप बाबूजी दोनों मुख्यमंत्री थे, चाहते तो जाली डिग्री बनवा लेते, नहीं बनवाए इसलिए जनता को उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि भाई साहब ने जाली डिग्री नहीं बनाया, बहुत बड़ा हम लोग परेशान कर दिए, ये इस आदमी की सोच है। भैया देखिए नीतीश कुमार को लोग यहाँ पलटू राम बताते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने पलट पलट के सिर्फ अपने को पलटू राम नहीं बनाया, बिहार में राजनीति करने वाले सबको पलटू राम बना दिया।
जैसा आपने ठीक कहा, अमित शाह आए, हल्ला मचाया मंच पर, बिना पूछे, बिना पत्रकारों के पूछे खुद से कहा नीतीश के लिए चुनाव के बाद भी दरवाजा बंद रहेगा, और चुनाव से पहले ही नीतीश को अपने साथ ले लिए। तो लोग हंसी में ठीक के गांव में कहता है कि नीतीश भाई अमित शाह दरवाजा तो बंद किए थे, छिटकिनिए लगाना भूल गए। तो नीतीश कुमार धक्का देके घुस गया। तो अगर नीतीश कुमार पलटे तो अमित शाह और मोदी भी तो पलटे भाई, वो भी तो कहे थे कि नहीं जाएंगे। अब आ गया तेजस्वी पर, तो तेजस्वी यादव तो 100 बार पहले कहा था कि पलटू चाचा है, पलटू राम है, इसके साथ नहीं जाएंगे। उप मुख्यमंत्री का लालच दिखाए नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार पलटू राम से बढ़कर विकास पुरुष हो गए। अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति बड़ा खराब हो गया। 6 महीना पहले जब अपने उप मुख्यमंत्री था ये आदमी, तो कह रहा था कि बिहार देश का सबसे बढ़िया तरक्की करने वाला राज्य है। तो 6 महीना पहले अपने गद्दी पर बैठे थे, नीतीश कुमार ने आपको उप मुख्यमंत्री बना दिया, तो बिहार आपको स्विट्जरलैंड दिख रहा था, और आज आप गद्दी से हट गए तब आपको कानून व्यवस्था दिख रहा है। तो भैया नीतीश कुमार खाली पलटू राम नहीं है, नीतीश कुमार पलटू राम है, लेकिन उतने ही बड़े पलटू राम भाजपा और ये तेजस्वी यादव भी है। अगर आज नीतीश कुमार भाजपा छोड़कर महागठबंधन में चला जाए तो कल फिर यही तेजस्वी यादव उनका झंडा लेके घूमने लगेंगे। खेती और पूंजी की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक बिहार से गरीबी दूर नहीं हो सकती है। तेजस्वी जैसे बेवकूफ लोग ये बता रहे हैं हम 10 लाख नौकरी दे देंगे। पूरे बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं सबका गिनती कीजिएगा तो आपको पता चलेगा 23 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी है। 5 लाख नौकरी दिया तो सुन तो लो, तुमको ज्यादा जानकारी है ना, वो 5 लाख जोड़ कर 23 लाख है। सुनो ना, तुमको ज्यादा जानकारी है भाई, 23 लाख है, जाके देख के आना, आंकड़ा गलत हो तो जवाब देना, फर्जी बात मत करो हमारे साथ। ये बिहार के 5 लाख आदमी को नौकरी दिया है, तुम्हारे पास है बेटा 2 लाख शिक्षक बहाल हुआ, इनको 5 लाख को नौकरी इनको मिल गया भाई साहब। कोई देखिए पत्रकार यहाँ बिहार में आप जैसे लोगों की सुनो, एक मिनट शिक्षक की बात क्यों होना भी, 2 लाख शिक्षकों की बहाली होने का सरकार दावा करती है, उसमें 7,000 लोग ऐसे हैं जो पहले से शिक्षक था, नियोजित शिक्षक था, जिसको राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया, उसको नई नौकरी नहीं मिली, उसके सर्विस का कंडीशन बदला। दूसरा बच गए 1.5 लाख लोग, उस 1.5 लाख में 70,000 से ज्यादा लोग डोमेसाइल के वजह से दूसरे राज्यों से आए, एग्जाम देने आए हमको कि 5 लाख नौकरी मिल गया, अब बाकी 3 लाख तुम्हारा घर से आया है नौकरी, अपने कुछ बोल देते हो। और सुनिए, ये बिहार की दुर्दशा खाली इसलिए नहीं है कि नेता बेवकूफ बना रहा, यहाँ का पूरा समाज, आप लोग का भी वही दशा, पत्रकारिता करते हैं, ये नहीं कह रहे कि तेजस्वी का दावा है कि 5 लाख दे दी, कह रहे हैं 5 लाख नौकरी दिया, जैसे जानते दिखाओ 5 लाख कहाँ नौकरी दिया है, उनका दावा है। आप कहाँ बोलेंगे बाप की दावा, आप पत्रकारिता कहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर तो ऐसा है भैया कि जो आदमी गंजी के ऊपर शर्ट पहन ले तो समाज और आप पत्रकार कहता है जमीनी नेता, जिसको भाषा का विषय का ज्ञान न हो उसको यहाँ का आदमी पत्रकार, यहाँ का समाज कहता है जमीनी नेता। कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी कुछ बोलने लगे तो आप हंसते हैं कि बिहार में चली हम ना चलेंगे बिहार में, इसीलिए आपका नेता बालू माफिया शराब माफिया है, गलत आदमी का चुनाव करोगे शराब माफिया को नेता बनाओगे तो आपके बच्चों को पढ़ाएगा कि आपके बच्चे से शराब बेचवाएगा। आप पत्रकार हैं, सवाल जरूर कीजिए, हम बैठे हैं सवाल लेने के लिए, लेकिन आपकी भी जिम्मेवारी है, सवाल पूछने से पहले तैयारी करके आइए। हम यहाँ का बिहार का नेता नहीं है जो बोलोगे हम सुन लेंगे, एक भी आंकड़ा दीजिएगा उसका तैयारी कर कर आइए, ना तो कल ही खोल देंगे। देखिए हम फिर से आपसे विनम्र आग्रह कर रहे हैं, आप हमसे 2 घंटा सवाल कीजिए लेकिन तैयारी करके आए, गलत बात मत कीजिए। आप गलत कीजिएगा, आपने कहा कि तेजस्वी ने 5 लाख लोगों को नौकरी दी है,
आप कितने लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी का एहसास है आपको? कहां दिया है 5 लाख? हमको गांव गांव में लोग कह रहा है कि डोमिसाइल की वजह से किसी बिहार के बच्चे को शिक्षक का नौकरी नहीं मिला। हम आपको आंकड़ा दे रहे हैं, 1.97% लोग ही सरकारी नौकरी में है। गलत हो आप, हम यही सुपौल में 1 महीना है, आप हमको घेर लीजिएगा। 75 साल में सिर्फ 23 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, जो कि 1.97% है। 98% आदमी को ना सरकारी नौकरी मिला है, ना आगे कभी मिलेगा। और आप लोग गाजर लेके घूमे जा रहे हैं कि तेजस्वी कह रहा है 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। कैसे दे दोगे भाई? अगर दे दिए तो 15 साल तो तुम्हारा ही माँ बाप मुख्यमंत्री थे, किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये नीतीश को जाके मुख्यमंत्री को बेवकूफ बनाना हम नहीं इस झांसे में आने वाले। नंबर जारी कीजिए कि कौन 2 लाख लड़का बिहार का है जिसको नौकरी मिला, नाम नंबर जारी करो, देखते अभी हम लोग। किसी को नहीं मिला। सर्विस कंडीशन को बदलना नई नौकरी नहीं है। ये आदमी को समझ क्या है? कहता है खड़ा होकर कि GDP में देश का सबसे आगे राज्य है बिहार। अब बताइए GDP में हम लोग हैं 28वें नंबर पर। अफसर ने कहा होगा कि GDP के ग्रोथ में हम लोग आगे हैं। इस आदमी को पता ही नहीं कि GDP ग्रोथ क्या है और GDP क्या है। एक मूलधन है, एक ब्याज है। GDP ग्रोथ GDP नहीं है। पूरा देश का आंकड़ा रोज जारी हो रहा है। GDP में हम लोग देश के सबसे गरीब पिछड़े 28वें नंबर के राज्य हैं। और तेजस्वी यादव खड़ा होकर कहे कि हम GDP में देश में सबसे आगे हैं, और आप चाहते हैं कि हम उसका जवाब दें? इसीलिए तो कहा कि भैया GDP क्या है इसको पढ़ लो, अपने नेताओं से, सलाहकारों से, टीचर से, प्रोफेसर से पहले सीख लो, और सीखने के बाद आकर कैमरे पर बताओ कि GDP होता क्या है, इसका गणना कैसे होता है, ये बता दो कैमरे पर, हम जन सुराज वापस लेकर जन तेजस्वी को नेता मान लेंगे। बताओ GDP होता क्या है, इसका गणना कैसे होता है, हमको आके ज्ञान दे रहे हैं। आपकी एक पहचान रही, आपने जिस भी दल के लिए प्रचार की स्ट्रेटजी बनाई, आपने हर बार एक आंकड़ा जारी किया कि ये पार्टी लगभग इतने सीटों पर जीत गई, खुद पद यात्रा पर है, लेकिन अभी तक कोई दावा इस तरीके का सामने। इसलिए कि दल बना नहीं है। जब जन सुराज दल 2 तारीख को बन जाएगा तो प्रशांत किशोर बता रहे हैं, पद यात्रा के बाद 2 तारीख को जब दल बन जाएगा तो प्रशांत किशोर को, जो आप जानते हैं कि रणनीतिकार है, चुनाव प्रबंधक है, तो प्रशांत किशोर जन सुराज के नेता तो बने नहीं ना बनेंगे। प्रशांत किशोर जन सुराज दल के रणनीतिकार प्रबंधक हो जाएंगे, और जब 6 महीना तैयारी करा लेंगे तब आपको अगले साल जून में नंबर भी देंगे कि कितना नंबर आएगा। दल बनने दीजिए, दल बनेगा तभी ना उसका नंबर देंगे, तो दल बना ही नहीं। 15 और 17 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, वो आज तालाब की होम डिलीवरी में लगे हुए। बिल्कुल, इसीलिए 15 और 17 के लिए नहीं, 15 साल से जितने दुनिया में बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि जब तक बच्चों को, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाकर इस काबिल न बनाया जाए कि वो व्यवस्था पर बोझ न बने,